गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव, जो हमने पहले वीडियो में किया है, विच हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है जो टर्मिनेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेट था, इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये 13/5 है। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 के फैक्टर हैं तो हमने साथ में उतने ही 2 के फैक्टर लेने हैं। 5 के 5 है तो 2^5 लेंगे साथ में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो नीचे तो हमारे पास बेस दोनों अलग अलग पावर सेम है, तो ये 10^5 बन जाएगा। बेस दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम रखेंगे, और ऊपर 13 × 2^5 32 बनता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 13 × 2 = 36, 13 × 3 = 39 और 2 = 31 अपॉन 10^5 खोल देंगे तो ये क्या बनेगा, 1 लाख। अब इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, नीचे 50 है ऊपर 3 डिजिट है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.00416। पीछे 3 डिजिट लिखने हैं जो ऊपर दिए हुए और आगे 2 जीरो लगा देंगे। नेक्स्ट वन है 17/8, ये भी टर्मिनेट था, इसके फैक्टर्स बनते हैं डिनोमिनेटर के 2^3। अब 2^3 है तो हमने क्या करना है, इतने ही 5^3 डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमिनेटर के साथ लगाने हैं। 2^3 × 5^3 और 5^3 ऊपर लगाएंगे, नीचे 10^3 बन जाएगा और ऊपर 17 × 125 आ जाएगा। अब 125 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1000 लगाएंगे, 17 × 5 = 85, 17 × 34 = 8, 34 + 8 कितना बन जाएगा 42, और 17 × 17 = 4, 21। अब डेसिमल लगाएंगे तो 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट छोड़ने, 2.125, ये इसका डेसिमल में आंसर आ गया। नेक्स्ट वन है 15/1600, तो इसके फैक्टर हमने बनाए थे 1600 के फैक्टर क्या बनेंगे, तो 1600 के फैक्टर जो हमने बनाए थे वो थे 2^6 × 5^2। अब इसको कैसे करेंगे, नीचे 2 भी है और 5 भी है, तो हमने 2 6 हैं, 5 2 है, तो 5 हमने 6 पूरे करने हैं, तो 5 हमें 4 और चाहिए, तो 5^4 ही ऊपर लगाएंगे, तो ये हमने पूरे करने हैं और ऊपर बन जाएगा हमारे पास 15 × 5^4 = 625 और नीचे 2^6 और 5^6, 2^6 और ये 5^6 हो गए। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बन जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30 और 7 = 37 और 15 × 6 = 90 और 90 × 3 = 93 और नीचे 2^5 × 10^6। तो अब इसका आंसर डेसिमल में निकालना है, 9375/1 के साथ 60, डेसिमल में आंसर क्या आएगा, 0.00937 5, तो ये आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट वन है 23/2³×5² तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही हैं, इसमें भी हमने देखना है 2 मैक्सिमम है, 3 है और 5 2 है, तो उसमें 5 भी 3 करने हैं। तो हमने डिनोमिनेटर जो है 5 पूरे करने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, 5² × 5 और नीचे ऊपर भी 5, ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई बन जाएगी 115 और नीचे 2³×5³ बन जाएगा, और 115 नीचे 10 का क्यूब बन जाएगा, और 115/1000 आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा 0.115। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 8th पार्ट था, ये टर्मिनेट एसम एक्सपेंशन, पहले इसको कट किया था 3 2 3 5, अब 2/5 है, इसको हमने डेसिमल निकाला था, नीचे 5 एक ही है और एक ही 2 चाहिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 4/10 बन जाएगा, और इसका डेसिमल में आंसर 0.4 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 35/50, तो हमने इसके फैक्टर्स बनाए थे डिनोमिनेटर के, 35/5² × 2। अब हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें 2 भी 2 चाहिए और 5 तो ऑलरेडी 2 है, तो हमें क्या करना है 5² × 2 और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 70 बन जाएगा और नीचे 5² × 2 70/10² बन जाएगा, नीचे बेस मल्टीप्लाई जाएंगे, पावर सेम रहेगी, और 70/100 0.70 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड कंप्लीट हो गया, अभी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसाइड वेदर दे हैव रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ p/q, वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 43.12345678 9, तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 के साथ 90। तो इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर जो होंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, 43/9×5⁹। तो ये क्या होगा हमारे पास, उन्होंने क्या पूछा कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, और यहाँ पे रैशनल लिखेंगे, रैशनल है कि ये रैशनल है, तो इट इज रैशनल, बिकॉज यह ऐसा फिर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ p/n or 5 की पावर n और बहुत। नेक्स्ट नंबर है 0.12012001200100124040, आगे कंटिन्यूसली है, तो ये इरेशनल नंबर है, सो देखेंगे इट इज नॉट रैशनल, ये रैशनल नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट वन है बाहर की फॉर्म में है, तो इसका आंसर लिखेंगे इट इज़ रैशनल, बाहर की फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं, और आगे क्या लिखना है, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू
प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑल्सो हैव फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 और 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर के वो 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे बीच में, तो इसलिए ये रैशनल है। तो ये एक्सरसाइज 1 पॉइंट हमारी 3 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।